डिफेंस एक्सपो में आज निवेश का बॉन्ड। डिफेंस एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों में होंगे करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। डीपीएसयू के सिवा निजी कंपनियों के भी होंगे करार। तो आपको बता दें, आज के लखनऊ की बड़ी खबर है डिफेंस एक्सपो का। आज जहां तीसरा दिन है, तो वहीं कई कंपनियों के करार का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम योगी और रक्षा मंत्री के सामने ये करार किए जाएंगे। डिफेंस एक्सपो में आज निवेश का बॉन्ड होगा। एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों से करार होने की उम्मीद है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। डीपीएसयू के सिवा निजी कंपनियों से भी होंगे करार। डिफेंस एक्सपो में आज निवेश का बॉन्ड हो। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो जो लखनऊ में लगा हुआ है, यहां पे कई विदेशी कंपनियां और स्वदेशी कंपनियां आई हुई हैं, और यहां पर भारत का जो ताकत है उसका प्रदर्शन भी हो रहा है। भारत के जो विमान है, सैन्य सेना है, उसको लेकर ये डिफेंस एक्सपो लगाया गया है। तो आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो में आज निवेश का बॉन्ड साइन होगा। वहीं डिफेंस एक्सपो का आज तीसरा दिन है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचे थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगाज के बाद डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हुई थी, जहां पर देश विदेश के कई रक्षा मंत्री समेत कई रक्षा सलाहकार और रक्षा विशेषज्ञ यहां पर मौजूद थे। वहीं साथ ही साथ भारत के भी तीनों सेना प्रमुख भी यहां मौजूद थे। डिफेंस एक्सपो में निवेश पर करार। 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ एमओयू। सीएम योगी और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एमओयू। रूस और स्पेन के साथ पनडुब्बियां बनवाएगा मझगांव। स्कॉर्पियन क्लास की P7I पनडुब्बियों का होगा निर्माण। नौसेना को दी जाएंगी P7I पनडुब्बियां। गोवा शिपयार्ड और BEL के बीच होगा MOU। गोवा शिपयार्ड की ओर से 5 से ज्यादा MOU। रूस के साथ 14 MOU पर होगा करार। MOU में स्पेयर पार्ट्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं। क्रेसनी डिफेंस के साथ शिप उपकरणों को लेकर करार होगा। अफ्रीकी देशों के साथ शांति सुरक्षा और रक्षा सहमति। अफ्रीका के 38 देशों में 154 प्रतिनिधि मौजूद। डिफेंस एक्सपो में निवेश पर करार। 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ होगा एमओयू। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। रूस और स्पेन के साथ पनडुब्बियां बनाएगा मझगांव। स्कॉर्पियन क्लास की P75Y पनडुब्बियों का होगा निर्माण। नौसेना को दी जाएंगी ये पनडुब्बियां। गोवा शिपयार्ड और BEL के बीच होगा MOU। गोवा शिपयार्ड की ओर से 5 से ज्यादा MOU। तो हमारे सहयोगी गगन जुड़े हैं हमारे साथ। गगन, जो ये MOU साइन होने, इसके अंदर कौन कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी? देखिए, बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में जब MOU का कार्यक्रम शुरू होगा मुख्य उद्घाटन हॉल में, तब सबकी नजर जो स्पेन की टेक्नोलॉजी है पनडुब्बी बनाने को लेकर, उसको लेकर जो MOU होना है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें मुंबई स्थित मझगांव जो डाक शिप बिल्डर्स है और रूस के बीच में ये पनडुब्बी निर्माण करेगा, इसको लेकर मुंबई की मझगांव में फैक्ट्री लगाई जाएगी जो बनने के बाद नौसेना को दे दी जाएगी। और साथ ही साथ जो कई और कंपनियां हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, चाहे गोवा शिपयार्ड हो गया, इन सभी के बीच में करीब 5 से ज्यादा MOU होने हैं, यानी कुल मिलाकर 16 MOU होने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो P75I स्कॉर्पियन जो क्लास की पनडुब्बी होगी, उसी को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये स्पेन की टेक्नोलॉजी है जो समुद्र के अंदर जो बारूदी एक सुरंग बनाई जाती है वो काफी बिछाने की मददगार होती है। इसी को लेकर MOU साइन होना है, जिससे पहले तो रूस में इसको स्पेन तैयार करेगा, लेकिन तैयार करने के बाद जब पहला बेड़ा आने के बाद
जब मझगांव में फैक्ट्री लगेगी उसमें अन्य बाकी जब इसका बेड़ा बनना होगा वो नौसेना को तैनात नौसेना को देने के लिए मझगांव में बनाया जाएगा। जी अगर वही अगर बात करें तो इस बार जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ भी करार की बातें सामने आ रही हैं कि इस बार निजी कंपनियों को भी उनके साथ भी करार किया जाएगा। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें गोवा शिपयार्ड या भारत इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर और भी कई प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें आयुष निर्माण फैक्ट्री हो गई, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो गया या हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, तो इन सब के साथ एमओयू होने हैं। ये जरूर है कि जैसे भारत में डीआरडी और एचएल को छोड़ दे तो बाकी कई और कंपनियां हैं जिन्होंने मोदी सरकार में स्टार्टअप तैयार किया, स्टार्टअप शुरू किया था रक्षा उपकरणों को लेकर, तो अब रक्षा उपकरणों के लेकर कई कंपनियां सामने आ रही हैं जिसमें लगभग 800 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां लखनऊ में डिफेंस एक्सपो में हिस्सा ले रही है। तो उनके सबके साथ जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं जो चाहे वो पनडुब्बी का हो, चाहे वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी में हथियार बनाते हो या फिर जो हेलीकॉप्टर्स हो, उनको लेकर भारतीय कंपनियों से एमओयू साइन होंगे, भारत के बीच में एमओयू साइन होंगे और जो पहला बेड़ा तो विदेशी कंपनियां जिनके बीच एमओयू हो रहा है वो बनाएंगे, लेकिन उसके बाद से भारत में जो फैक्ट्री लगेंगी खासकर उत्तर प्रदेश में उसमें उसका निर्माण किया जाएगा, उसके बाद निर्माण करने के बाद भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। जी अगर वही जिस तरीके से सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरफ बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का एक तरफ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने रोजगार पैदा करने की बातें कही थी तो जो निजी कंपनियों से करार होंगे तो उससे रोजगार भी पैदा होंगे। देखिए बिल्कुल अगर एमओयू साइन होते हैं उसके बाद विदेशी कंपनियां भारत के कंपनियों के साथ एमओयू करती है, उसके बाद जब उसका निर्माण किया जाएगा तो उसका निर्माण वाजिब है कि उत्तर प्रदेश में होगा और खासकर भारत में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रखी है, जो डिफेंस कॉरिडोर बना रखे हैं वो इसीलिए उसका निर्माण किया गया था ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो जो भारत की कंपनियों से कोलैबोरेशन करेंगे, उसके बाद जब उसका निर्माण भारत में होगा खासकर उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर में होगा तो उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो भारत में जो 5 ट्रिलियन का जो भारत सरकार का एक एजेंडा है कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना है तो उसमें भी सहायक होगा। अगर जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ती है तो भारत की बढ़ना स्वाभाविक है। इसी को लेकर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है कि अगर विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आती हैं या भारत में आती हैं तो खासकर उत्तर प्रदेश के अगर डिफेंस कॉरिडोर में अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं तो वो काफी सहायक होगा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर। जी अगर वही बात करें P-70I पनडुब्बी को छोड़कर तो और ऐसे कौन से उपकरण होंगे जिसपे निगाहें सबकी टिकी रहेंगी और वो भारत के लिए सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम माने जाएंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल एक एमओयू साइन हुआ था रूस के साथ जिसमें रूस ने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया था जो काफी लाइट वेट का होता है जिसको नाम अभी फिलहाल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नाम दिया गया है, जो करीब 1 टन का भार उठा सकेगा। अगर आम दिनों में जब वायुसेना सियाचिन में कोई रेस्क्यू करती है या सियाचिन में फौज के लोगों को कुछ सामान पहुंचाना होता है तो चीता और या चेतक का सहायता करनी पड़ती थी, लेकिन चीता और चेतक करीब 60 सालों से भारतीय फौज की सेवा कर रहे हैं, अब वो पुराने हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से रूस ने अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है वो अब भारतीय बेड़े में शामिल होगा जिसको लेकर कल एमओयू भी साइन हुआ था और पहला बेड़ा जल्द ही भारत सरकार भारत फौज को मिल जाएगा, उसको अब प्रयोग किया जाएगा जिसकी काफी लाइट वेट किया गया है और जिससे ज्यादा 1 टन से ज्यादा वो सामान उठा सकता है या ला सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर के साथ साथ बाकी अन्य कई पनडुब्बियां मानी जाएगी, जो पनडुब्बियां समुद्री जल सद्धा सेना को देने के लिए तैयारी हो रही है कि जो पानी में अंदर बारूदी सुरंग फैलाने को लेकर काफी सहायक होती है वो स्पेन का निर्माण करती है। तो कई ऐसी जो सैन्य रक्षा उपकरण है जो भारत और अन्य कंपनियों के बीच में एमओयू होने वो काफी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, साथ साथ भारत सरकार का और भारतीय कंपनियों का भी। जी गगन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।